हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। आज की हम HTML CSS ट्यूटोरियल में देखेंगे HTML लिंक्स और इनका टैग के बारे में। और सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स ये क्या होता है, इसे हम देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर फोल्डर पे बनाया हुआ है HTML लिंक्स, और उसके अंदर मैंने तीन फाइलें रखी हुए हैं, index.html, index1.html और एक इमेज है। इसे मैंने जो है VS कोड में खोला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर यहाँ से कोड स्टार्ट है, यहाँ पर मैंने उसे पहले से लिख लिया है क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे H1 जो टैग है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए इस वाले लाइन पे। H1 जो टैग है उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए टैग, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसका अगर आप सिंटेक्स देखेंगे, यहाँ पे देखिए HTML लिंक्स का जो सिंटेक्स होता है वो यहाँ पर देखिए, ए टैग होता है यहाँ पे और उसके अंदर होता है एक HR या फिर ट्रिब्यूट, और उसके अंदर हम जो वैल्यू लिखते हैं वो ये डिसाइड करता है कि आप जो यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं उसे क्लिक करने से आप कौन से डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, इसे क्लिक करने से आप यहाँ पर कहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पर ये डिसाइड करता है। और देखेंगे आप यहाँ पर वापस आएंगे तो यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये है facebook.com का ये लिंक, और ये HR या फिर ट्रिब्यूट के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर विजिट फेसबुक है। तो इसे अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो कैसे दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसे कहेंगे हम हाइपर लिंक, और इसे पहचानने के दो तरीके, ये ब्लू कलर में होता है और एक ये अंडरलाइंड होता है। और इसे जैसे ही हम ओवर करेंगे आप देखिए एक हैंड सा यहाँ पर बन जाता है, एक हैंड जैसा यहाँ पे बन जाता है। अब इसे आगे अगर हम देखेंगे तो जो लिंक जो है वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक टेक्स्ट हो, वो एक इमेज भी हो सकता है, वो एक HTML एलिमेंट्स भी हो सकता है, इसे हम आगे देखेंगे। अब HTML लिंक्स का जो सिंटेक्स तो हमने बात कर ली यहाँ पे, अगर आप आगे देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग में वो होता है HREF एट्रीब्यूट। जैसे कि आप देख सकते हैं वो लिंक का डेस्टिनेशन डिसाइड करता है कि अगर आप उसमें क्लिक करते हैं उस टेक्स्ट में, जैसे कि हमने देखा था विजिट फेसबुक में, उसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो वो facebook.com में हमें वो ले जाता है ना। जैसे कि आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे है ना, तो आप देखेंगे कि हमने जो HREF टैग के अंदर जो URL लिखा हुआ है वो यहाँ पे फेसबुक में हमें विजिट करा देता है ना। अब आगे देखेंगे तो अपेयरेंस ऑफ HTML इनका टैग जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं। अनविजिटेड लिंक है, जो अंडरलाइन है ब्लू जैसा दिखता है यहाँ पे, ये अनविजिटेड लिंक मतलब आपने अगर क्लिक नहीं किया हुआ है उस पे तो आपको कुछ वो ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा जब अब आपने क्लिक नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे विजिटेड लिंक डिस्प्लेड अंडरलाइन एंड पर्पल, जैसे कि हमने फेसबुक में यहाँ पर क्लिक कर चुका है तो ये थोड़ा अंडरलाइन एंड पर्पल दिखेगा, ये अभी पर्पल दिख रहा है, और जो ऊपर वाला यहाँ पर विजिट नहीं किया है ये जो आपको है वो जो ब्लू दिख रहा है। और एक लाइन यहाँ पर और लिखा हुआ है एक्टिव लिंक अंडरलाइन एंड रेड। तो जैसे ही आप किसी यहाँ पर जैसे कि लिंक पे क्लिक करते हैं हाइपर लिंक पे, तो क्लिक करते समय देखिए थोड़ा सा रेड हो रहा है, यहाँ पर देखिए रेड हो रहा है क्लिक करते ही, तो वो है वहाँ पर एक्टिव हो जाता है वो। और यहाँ पर जो लिंक है, जरूरी नहीं कि वो जो हमको अंडरलाइंड ब्लू दिख रहा है, अंडरलाइंड पर्पल दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही रहे, आप उसे CSS का यूज करके उसे अलग कलर में भी आप उसे लिख सकते हैं। आने वाली HTML सीरीज की इस ट्यूटोरियल में हम आगे देखेंगे CSS ट्यूटोरियल में, तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि इसका कलर जो है वो कैसे चेंज होगा। आगे देखते हैं HTML लिंक्स के जो टारगेट एट्रीब्यूट है, एक और एट्रीब्यूट होता है ए टैग का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो आपको अगर ये जो लिंक है यहाँ पे www.facebook.com है ना, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या है, कहाँ पर खुल रहा है, देखिए सेम पेज में खुल रहा है वो, सेम जो विंडोज है, सेम जो विंडो है उसमें यहाँ पर खुल रहा है, ठीक है।
टारगेट एट्रीब्यूट वही होता है कि आपका जो लिंक है facebook.com जो लिंक है वो कहाँ पर खुलेगा, तो वहां पर देखिए वो सेम टैब में वो खुला। अब देखिए टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो क्या करता है, तो आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो लिंक है, वो आपको कौन से टैब में जो है वो टैब में खोलना है वहाँ पर, तो वही वो डिसाइड करता है। इसके चार टाइप के जो है वैल्यू होते हैं, है ना, कि आपको जो आपका जो फाइल है वो कहाँ पर खोलना है। तो यहाँ पर देखिए एक होता है सेल्फ, सेल्फ जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। हम यहाँ पे अगर आप हम क्लिक कर रहे हैं तो ये facebook.com खोल रहे हैं, तो वो क्या है बाय डिफॉल्ट सेल्फ वैल्यू उसकी होती है टारगेट की, है ना, और टारगेट की जो है बाय डिफॉल्ट सेल्फ वैल्यू होती है। यहाँ पे होता है ब्लैंक, ब्लैंक जो होता है ओपन द डॉक्यूमेंट्स इन अ न्यू विंडो और टैब। इनका अगर कोड स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर H2 टैग के अंदर, आप देखिए ये एट्रीब्यूट यहाँ पर बना हुआ है, उसके अंदर HREF है और उसका जो URL है जहाँ पर उसे जाना है, तो ये google.com हो गया। उसका जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो टारगेट है, टारगेट में हमने रखा हुआ है ब्लैंक और विजिट गूगल। यहाँ पर आप देखिए तो ब्राउजर में अगर आप इसे देखेंगे विजिट गूगल यहाँ पर है, देखिए जैसे ही हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे तो टारगेट ब्लैंक की वजह से वो दूसरे टैब में खुल गया। तो दूसरे टैब में खुला तो अपना पहला वाला वैसा ही मिल गया, आपको इधर बैक जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। आप देखिए न्यू टैब में वो खुल चुका है। तो ये होता है ब्लैंक, है ना, और ब्लैंक टैग ये होता है। और आगे अगर देखेंगे पेरेंट टैग, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, तो सिंपली आप वैल्यू अगर आप इसे चेंज कर देंगे टारगेट एट्रीब्यूट का PARENT, है ना, और PARENT क्लिक करने के बाद आप अगर विजिट गूगल करेंगे तो आपका वो सेम पेज में वो जो है आपका खुल जाएगा। मतलब ये सेल्फ जैसा ही एक काम कर रहा है। और आगे अगर ये जो टॉप जो आप यहाँ पर देखेंगे ओपन अ डॉक्यूमेंट तो फुल बॉडी ऑफ अ विंडो, तो टॉप को भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। टॉप को जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर जब टॉप को लिखते हैं तो देखिए सेम पेज में वो भी एक खुल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीन जो यहाँ पर हैं सेल्फ पेरेंट एंड टॉप, वो सेम काम कर रहे हैं। ब्लैंक एक ऐसा है जो दूसरे मतलब टैब में जो है वो खुल रहा है। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल्स, ये क्या होते हैं। अब हमने जो एग्जांपल देखे अभी, जो पहले देखे www.facebook.com, google.com, ये जो होते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, और हमने अभी एब्सोल्यूट यूआरएल यूज की है। जैसे कि आप देख सकते हैं फुल वेब एड्रेस यहाँ पर यूज होता है HREF एट्रीब्यूट के अंदर। अब देखिए लोकल लिंक एक होता है जिसमें आप देखिए ए लिंक टू ए पेज विद इन अ सेम वेबसाइट। अब वो जो है वो रिलेटिव यूआरएल आपको शो करते हैं, मतलब आपको www. वाला पार्ट नहीं लिखना है उसमें, जैसे www.facebook.com, google.com, तो वो सब आपको नहीं लिखना है लोकल लिंक में, उसे कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं, आप आपके जो प्रोजेक्ट के फोल्डर में अगर आपका कोई और पेज है, जैसे ये contact.html है, आप index.html के थ्रू, है ना, contact.html में आप जा सकते हैं, तो ये आपका रिलेटिव यूआरएल कहलाएगा। आपका जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपका इमेजेस अगर मान लो है, इमेजेस है, तो आप इमेजेस में आप एक्सेस कर सकते हैं। CSS ट्यूटोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो आप सीधा इमेजेस में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो रिलेटिव यूआरएल्स का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिलेटिव यूआरएल्स में, ये जो है आपका इमेजेस यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, इमेजेस यहाँ पर खुल गया तो आप अपने फोल्डर की इमेजेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरे पेज में क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पर मैंने इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल भी यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल,
तो देखिए, दिस इज द एनोदर पेज, गो बैक टू द मेन पेज। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल में यहाँ पर ये आ जाएगा, और इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल में मैंने यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिया है जहाँ पर लिखा है गो बैक टू मेन पेज। तो आप एग्जाम्पल पे यहाँ पर देखिए ब्राउजर में, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एनोदर पेज में यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए दिस इज एनोदर पेज, और आप देखिए यहाँ पे दिस इज एनोदर पेज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर मैंने दिया है गो बैक टू मेन पेज जो आपको वापस वहीं ले जाएगा जहाँ से आप आए हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने सोर्स दे दिया है, मतलब वो इस वाले फाइल पे आ जाएगा। जैसे ही आप ब्राउजर पे यहाँ पर जाते हैं, गो बैक टू मेन पेज करते हैं, आप वहाँ पर वापस आ गए। तो देखिए आपने यहाँ पर रिलेटिव यू आर एल्स और एब्सोल्यूट यू आर एल्स का आपने यहाँ पर देखा, और जैसे कि एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एंकर टैग के बारे में। एक नेम एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे, नेम एट्रीब्यूट एंकर टैग में, अगर आप उसे देखेंगे यहाँ पे तो कोड में है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए व्हाट इज एच टी एम एल यहाँ पर लिखा हुआ है ए टैग के अंदर, और एच टी एम एल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए सेकंड में यहाँ पे एच टू जो हेडिंग है उसके अंदर व्हाट इज सी एस एस लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड, और सी एस एस का ब्रीफ है यहाँ पे, दैट्स इट। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टाइटल में यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज एच टी एम एल व्हाट इज सी एस एस। अब यहाँ पे देखिए ए टैग का एक नेम एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे मैंने नाम दिया है एच टी एम एल, और सेम यहाँ पर एच टू में यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे नाम दिया है मैंने उसे सी एस एस, है ना, नेम एट्रीब्यूट में यहाँ पर नाम दिया सी एस एस। अब अगर इसे इस वाले पॉइंट को अगर आपको एक्सेस करना है ब्राउजर में, मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज एच टी एम एल व्हाट इज सी एस एस, यहाँ पर आपको आने के लिए स्क्रॉल करना पड़ रहा है बार बार। देखिए यहाँ पे अगर मैंने बना दिया व्हाट इज एच टी एम एल व्हाट इज सी एस एस यहाँ पे बना दिया है, और ये मुझे यहाँ पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट लिखा हुआ है सी एस एस नेम एट्रीब्यूट जो है यहाँ पर लिखा है मैंने एच टी एम एल, इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिए ए टैग के अंदर एच आर एफ एट्रीब्यूट के अंदर मैंने उसके नाम यहाँ पर यूज़ किया है, उसके आगे हैश टैग लगा दिया है। वैसे ही सी एस एस के लिए यहाँ व्हाट इज सी एस एस लिखा हुआ है, उसके लिए वहाँ पर जो नेम एट्रीब्यूट में मैंने जो वैल्यू दी थी सी एस एस उसे एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर जस्ट सी एस एस नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर हैश टैग लगा दिया है। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप सीधा एच टी एम एल पहुँच जाएंगे, और बैक टू टॉप यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बैक टू टॉप के लिए ए एच आर ई एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, और वापस से मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज को ही यहाँ पे लिख दिया है। तो बैक टू टॉप दबाने से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो पेज पूरा फिर से मतलब आ जाता है, फिर से मतलब वो डिस्प्ले होने लग जाता है, मतलब ऊपर मतलब आपको ऊपर का ही पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है सी एस एस वाला जो है उसमें भी मैंने एंकर टैग में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, बैक टू टॉप जैसे ही हम अब दबाते हैं तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है वो फिर से मतलब वो वाला पेज आ जाता है, वही वाला पेज ऐसे रिफ्रेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको इस पोर्शन में अगर आप पहुंच गए तो जैसे बैक टू टॉप करेंगे आप वहां पर पहुंच जाएंगे, आपको अगर उसे सी एस एस को अगर फिर से वो करना है तो आप सी एस एस में पहुंच जाएंगे, अगर आपको फिर से वापस वहां पर जाना है तो बैक टू टॉप यहां पर कर देंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंकर टैग के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आगे हम देखेंगे और एचटीएमएल के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।